हेलो भाई, मैं हूँ पुष्कर कौशिक। आज हम बात करने वाले हैं एक्टिवा 125 के 10 नेगेटिव्स और 10 पॉजिटिव्स के बारे में, जो कि इस स्कूटी को लेने और ना लेने के ऊपर मजबूर कर देते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भाई इसके नेगेटिव्स की। तो भाई, सबसे पहला जो नेगेटिव है इस स्कूटी का, वो है इसका ग्राउंड क्लियरेंस बहुत कम है भाई। अगर इस स्कूटी को चलाओ ना, तो ब्रेकर पे कभी कभी इसका जो ये डबल स्टैंड है ना, ये अटक जाता है भाई। इसकी वजह से डबल स्टैंड में बहुत बार खराबी हुई है, हर बार टकरा जाता है अगर थोड़ा सा ही ब्रेकर ऊंचा हो तो। ये है इसका पहला डिसएडवांटेज। दूसरे डिसएडवांटेज की बात करते हैं। तो भाई, इस स्कूटी का दूसरा एडवांटेज है इसकी सर्विसिंग। सर्विसिंग भाई होंडा की इतनी ज़्यादा बेकार है, मतलब अगर आप उनसे कुछ नहीं कहोगे ना, तो आपको सिर्फ फिल्टर और वो ऑयल चेंज करके दे देंगे। वो खुद से कुछ भी टेस्ट नहीं करते कि स्कूटी में क्या खराबी है क्या नहीं है, इतनी बेकार सर्विसिंग है भाई। और अभी भी मैं इसे सर्विस करवा कर लाया हूँ, अभी मैंने एक हफ्ते पहले करवाई है इसकी सर्विस, और अभी भी इसके मीटर में सर्विस का साइन दिखा रहा है, ये देखो रिंच दिखा रहा है, इतनी बेकार सर्विसिंग है भाई। और चलिए अब तीसरे डिसएडवांटेज की बात करते हैं। तीसरा डिसएडवांटेज है भाई इस स्कूटी का बूट स्पेस। अगर आपको 2 लीटर की 2 बोतल रखनी है तो वो तो आप रख पाओगे आराम से, लेकिन अगर आपके हेलमेट का साइज थोड़ा सा भी बड़ा है तो वो इसमें नहीं आ पाएगा। मीडियम साइज हेलमेट या फिर शॉर्ट साइज हेलमेट आप इसमें रख सकते हैं, बस लार्ज साइज हेलमेट इसमें नहीं आ पाता, जो कि एडल्ट लोग पहनते हैं। चौथा डिसएडवांटेज है इस स्कूटी का भाई इसके टायर साइज के बारे में। अब टायर साइज बारे में क्या कह रहा हूँ मैं, वो आप सुनिएगा। इस आगे वाले टायर को इन लोगों ने दिया है 12 इंचेस का, आप देख सकते हैं, ठीक है। और पीछे वाला टायर दिया है इन लोगों ने 10 इंच का। अब इससे भाई टायर साइज से देखो, आप सोचते होंगे कि क्या ही फर्क पड़ता है, लेकिन भाई फर्क बहुत ही ज़्यादा पड़ता है। अब आगे का टायर तो भाई इतना ज़्यादा ऊंचा दे दिया है कि अगर आप थोड़ी सी भी हार्ड एक्सेलरेट करते हैं एकदम से, तो इसमें भाई आगे से उछलने लग जाती है, मतलब बहुत धीमे धीमे देनी पड़ती है इसमें शुरू में रेस, वरना अगर एक साथ दोगे तो आगे से उछल जाती है भाई। दूसरी चीज़, अगर इसके पीछे के टायर का साइज़ कम है तो भाई ऑब्वियस सी बात है ग्राउंड क्लियरेंस कम ही हो जाता है। 11 इंच का भी दे देते तो भी ठीक रहता, अब भाई पूरा ही 10 इंच का दे दिया इन लोगों ने। पांचवा डिसएडवांटेज है भाई इसके हैंडल की क्वालिटी। हैंडल क्वालिटी भाई, हैंडल क्वालिटी का मेरा कहने का मतलब ये है कि थोड़े से भी रफ रोड्स पे ये हैंडल जो है आवाज़ करने लग जाता है। इस स्कूटी में बस अगर हैंडल आपका आवाज़ ना करे तो इसका सॉल्यूशन यही है कि आप आगे वाले टायर की हवा थोड़ी सी कम कर दो, थोड़ी नहीं मतलब बहुत ही ज़्यादा कम कर दो। मैंने बहुत कम कर रखी है अपने की, तभी जाकर अभी इतना मेंटेन है, नहीं तो बहुत आवाज़ करता है। इसमें आप ध्यान से देखोगे, इसमें डबल साइडेड टेप भी लगा रखी है, यही हमने नहीं लगाई भाई, कंपनी वालों ने खुद ही लगा कर दिया, क्योंकि ये हैंडल आवाज़ कर रहा था और उसका सॉल्यूशन उन पे भी नहीं था। पहले तो भाई ये बंद ही नहीं हो रहा था, दबाते रहो बंद ही नहीं होता था, खुला ही रहता था, या फिर बंद भी हो जाता था ब्रेकर पे अपने आप ऐसे खुल जाता था। तो भाई उन्होंने फिर इसे पूरा इधर से नट वगैरह खोल के, आप देख रहे हो पूरा खोल के उधर से उन्होंने ऑयलिंग वगैरह करी, नए नट्स डाले, उसके बाद भाई ये बंद तो होने लग गया, लेकिन फिर ही आवाज़ करने लग गया था ब्रेकर पे, ऐसे ऐसे आवाज़ करता था, ये हिलता था। तो उन्होंने इसका इलाज उन पे भी नहीं था भाई, उनको समझ में नहीं आया क्या करें, उन्होंने इधर भी डबल साइडेड टेप ही पेल दी। अब इधर भाई ये बंद होने तो लगा है, लेकिन डबल साइडेड टेप का भाई क्या मतलब है? अगर आप स्कूटी बना रहे हो तो अपनी बिल्ड क्वालिटी को तो देखा करो भाई, कैसी बना रहे हो, डबल साइडेड टेप यूज़ कर रहे हैं बताओ। अगला डिसएडवांटेज है भाई इस स्कूटी का डबल स्टैंड। जैसा कि मैंने बताया था आपको, ग्राउंड क्लियरेंस बहुत कम है इस स्कूटी का, तो ये बार बार भाई टच होता था और फिर अपना ये ख़राब हो गया था। तो ख़राब ऐसे हुआ था, ये मतलब लटका ही रहता था, ये जमीन से घिसटते हुए चलने लग गया था, तो फिर ये कंपनी से ही सही करवाया था। डबल स्टैंड की भाई बहुत ही पुअर क्वालिटी, जबकि इतना ये खोलने में यूज़ भी नहीं होता, क्योंकि सेल से तो स्टार्ट ही भाई हो ही जाती है, इसकी भाई ज़रूरत ही नहीं पड़ती ज़्यादा, लेकिन फिर भी भाई पता नहीं कैसे ख़राब हो गया। ये अपना एकदम चौक हो गया था, जैसे ही दम लगाने की कोशिश करी थोड़ी सी, फिर अपना लटक ही गया पूरा।
अगला डिसएडवांटेज है भाई इस स्कूटी को लेने का, वो है इसके पेंट की क्वालिटी। अब जब ये स्कूटी भाई नई आई थी, ऐसी चमचमाती हुई आई थी एकदम रेड कलर में कि पूछो मत, जो भी देखता था वो भाई उस मतलब इसकी रोड प्रेजेंस बहुत बढ़िया बनने लग गई थी जब रेड कलर में। लेकिन भाई थोड़ा समय हुआ, 1-1.5 साल हुई, फिर इसका कलर ही भाई उड़ने लग गया। अब भाई ये बहुत फेड हो गया, ये तो कुछ भी नहीं है, इससे पहले तो ये बहुत बढ़िया था भाई, अब तो बहुत फेड हो गया है। तो भाई पेंट क्वालिटी मैं तो पुअर ही कहूँगा होंडा की तरफ से जो आ रही है। इस पर पॉलिश कर करके भाई से चमकाना पड़ता है, अभी जितना चमक रहा है पॉलिश की वजह से ही चमक रहा है, वरना इतना भी नहीं चमकता है भाई। और दूसरी डिसएडवांटेज है ये भाई कि अगर आप इसमें वाइट कलर लो तो ही ठीक है ना, उसमें फेड होने का चक्कर ना कुछ। अब इसमें भाई से लोगे, अभी मैंने ये परसों ही धोई थी और आप धूल देखो कितनी जम गई है भाई। तो ये डिसएडवांटेज है भाई इस पेंट का। अगला सबसे मेन डिसएडवांटेज है जो कि होंडा की तरफ से हर एक स्कूटी हर एक बाइक में देखा जाता है, वो है इसकी डैशबोर्ड क्वालिटी। डैशबोर्ड क्वालिटी भाई पता नहीं क्यों इतनी पुअर देते हैं कि पूछो मत। अगर इस पर आप ज़्यादा पॉलिश कर दोगे धूल इतनी पकड़ता है कि कुछ कहने की नहीं, अभी भी देखो आप कितनी छपक रही है धूल। और अगर आप कम पॉलिश करोगे तो पूरा ही सफ़ेद पड़ जाता है भाई, बिल्कुल सफ़ेद पड़ जाता है, ऐसा लगता है स्कूटी ना जाने कितनी पुरानी है। तो भाई डैशबोर्ड क्वालिटी बहुत पुअर है, जो TVS और जुपिटर वगैरह में आ रही भाई इतनी मस्त क्वालिटी है उनकी कि ज़्यादा उन पर पॉलिश की ज़रूरत ही नहीं पड़ती भाई, पॉलिश लगा दो तो इतनी धूल भी नहीं पकड़ती। अब पीछे का ही देखो आप सफ़ेद पड़ने लग गया एकदम, इस पर पॉलिश करो तब जाके चमकता है वरना सफ़ेद ही रहता है। तो भाई डैशबोर्ड क्वालिटी तो पुअर है होंडा की तरफ से जो आ रही है। लास्ट डिसएडवांटेज है भाई इस स्कूटी का माइलेज। अब माइलेज देखो कंपनी के द्वारा क्लेम करी जा रही है 64 की, और जब ये BS6 नया नया आया था तो इसमें कहा था कि 13% माइलेज और बढ़ा दी है, लेकिन भाई मेरे को ऐसा कुछ भी फील नहीं हो रहा है सही में। जब स्कूटी शुरू में आई थी तब तो देती थी बढ़िया माइलेज नो प्रॉब्लम, लेकिन अब ये भाई इतना घटिया माइलेज निकाल के दे रही है कि बस पूछो मत, 35-40 का माइलेज निकाल के दे रही है। अब आप कहोगे भाई तुमने सर्विस नहीं करवाई होगी, तो भाई मैंने सर्विस पूरी करवा रखी है, मैं अभी 1 हफ्ते पहले ही इसकी सर्विस करवा कर लाया हूँ और अभी भी भाई ये हाल है, क्या करा जाए। माइलेज भाई इतना कम निकाल के देती कि बस पूछो मत, अभी टैंक फुल करवाया था और मुश्किल से 150 या 180 किलोमीटर चली है बस, उसके बाद ही रिजर्व में लगने लग गई थी। अभी आज मैंने फिर करवाया इसमें 150 रुपये का, टोटल भाई अभी ये एवरेज भाई MID में तो दिखा रही है 44.6 का, रेंज दिखा रही है 100 किलोमीटर की, और टोटल चल चुकी है भाई अपना 16938, मतलब कि 16938 किलोमीटर। अब भाई ये तो बात हो गई अपने डिसएडवांटेजेस की। डिसएडवांटेज तो देखो भाई अगर किसी चीज़ में डिसएडवांटेज है तो उसके एडवांटेजेस भी होते हैं, तो चलो अब एडवांटेजेस की बात ही कर लेते हैं। तो पहला इसमें भाई एडवांटेज है इस स्कूटी को लेने का इसकी बिल्ड क्वालिटी। बिल्ड क्वालिटी भाई देखो पेंट क्वालिटी की मैंने बुराई करी थी ठीक है, लेकिन इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत ही शानदार है। शानदार से मेरा मतलब ये है कि स्कूटी ऐसा नहीं है कि कहीं से लग गई तो भाई पिचक ही जाएगी। अब ये जो आप स्क्रैच देख पा रहे हो ना, ये बाइक आके भिड़ी थी इसमें भाई, और सिर्फ एक स्क्रैच आया भाई, ना कहीं से पिचकी ना कुछ, जबकि बाइक कम से कम 20 या 30 की स्पीड में थी। तो भाई बिल्ड क्वालिटी तो बढ़िया ही है, लेकिन ये छोटी मोटी जो चीज़ें हैं ना, जैसे ये इसका फ्यूल का ढक्कन हो गया, अपना हैंडल हो गया, इनके भाई नट्स ढीले हैं लेकिन इनकी बिल्ड क्वालिटी बेकार नहीं है। आप अगर इसे देखोगे ना तो भाई इसकी भी मैं तारीफ ही करूँगा, इतनी बेकार क्वालिटी नहीं है इसकी भी। दूसरा एडवांटेज है भाई इसके लाइट्स का थ्रो। अब कुछ भाई देखो देखकर बोलेंगे जो इसके ओनर होंगे कि भाई लाइट्स का थ्रो तो बेकार है, तुम तारीफ क्यों कर रहे हो। तारीफ मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि भाई अगर तुम देखो जलाओ ना, रात में देखने में तो बढ़िया लगते हैं नो डाउट, और अगर आपको सीधा थ्रो मारना है कहीं पर तो उसमें भी ठीक है, जैसे सीधा सीधा थ्रो मारना है ना उसमें ठीक है, लेकिन अगर आपको तेज स्पीड में और नीचे की साइड भी देखते हुए चलना है रोड पर तो उस हिसाब से नहीं है ये लाइट्स, मतलब इतना बढ़िया नीचे की साइड थ्रो नहीं देती जितना है सामने की साइड देती हैं। सामने की साइड तो ये मतलब एकदम सीधा बहुत बढ़िया थ्रो निकालती हैं, लेकिन ये नीचे की साइड नहीं देती रोड की साइड,
रोड की साइड के लिए भाई होंडा को भी ये बात पता थी कि रोड की साइड नहीं दे पाएंगी ये जो इसकी एलईडीज है, उसके लिए इन्होंने ये भी डीआरएल्स का भी जुगाड़ करा था, लेकिन ये भी कामयाब नहीं रही हैं। अब ये भी भाई रोड की साइड थ्रो नहीं देती हैं। तो भाई लाइट्स का थ्रो तो मैं तो कहूँगा कि शो के लिए बढ़िया है, बाकी आपको अगर ट्रैवल करने के हिसाब से चाहिए उस हिसाब से बढ़िया नहीं है। चलते हैं दूसरे एडवांटेज की तरफ। तो भाई इस स्कूटी का थर्ड एडवांटेज है जो कि BS6 स्पेशलिटी है, वो मैं आपको एक सेकंड दिखाता हूँ। स्कूटी को हमने ऑन करा और वो है भाई इसका साइलेंट स्टार्ट। जैसे भाई बाकी स्कूटी शुरू में खिल 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 आवाज़ करती हैं स्टार्ट होने में, वैसा इसका साउंड नहीं है, बहुत ही रिफाइंड साउंड है। तो ये तो भाई बढ़िया चीज़ है, इस बार होंडा ने अप्रिशिएटेबल करी है। और BS6 भाई सबसे पहले स्कूटीज में होंडा नहीं निकाला था ये BS6 स्कूटर, तो उसमें ही भाई अप्रिशिएट करने वाली बात है होंडा को। चलते हैं नेक्स्ट एडवांटेज की तरफ। नेक्स्ट एडवांटेज है भाई इस स्कूटी का नो इंजन साउंड, मतलब स्कूटी आपने चलो साइलेंट स्टार्ट तो है ही, बिना आवाज़ करे चालू तो हो जाती है, लेकिन भाई साइलेंट नॉइज भी है, मतलब बहुत रिफाइंड है। आप दूर खड़े हो तो आपको पता भी नहीं पड़ेगा स्कूटी चालू है बंद है, बहुत ही रिफाइंड साउंड है। चलते हैं भाई अपने फिफ्थ एडवांटेज की तरफ। तो फिफ्थ एडवांटेज है इस स्कूटी को लेने का भाई इसका पिकअप और एक्सेलरेशन। अब पिकअप और एक्सेलरेशन की मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि भाई ये स्कूटी मैं कॉन्फिडेंटली तो नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ थोड़े से मैं ये एंटोर को भी टक्कर दे देती है, जो कि रेसिंग एडिशन के साथ भी आती है उसको भी टक्कर दे देती है कई मामलों में। मैं उससे कंपेयर तो नहीं करूँगा एंटोर से, लेकिन हाँ फिर भी इसका बढ़िया है पिकअप वगैरह। 0 to 40 4 seconds में चली जाती है अपना आराम से, 0 to 69 seconds में चली जाती है, और मैक्स स्पीड जो कि इसके 93 km/h वो ये 15 seconds में टच कर लेती है। तो भाई पिकअप की तो मेरे को इसमें कहीं भी कमी नहीं लगती, लेकिन अगर पिकअप और एक्सेलरेशन बढ़िया है तो भाई देखो आपको माइलेज में तो कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ेगा। अब भाई इसका नेक्स्ट एडवांटेज है वो है इसके इंजन की पावर। इंजन भाई जो होंडा ने दिया है 125cc का, उसमें आपको 10 Nm का टॉर्क देखने को मिल जाता है, 8.93 PS की पावर जनरेट करने को मिल जाती है 6500 RPM पे, और अपना 125cc का तो इंजन इसमें आपको मिल ही जाता है। तो भाई पावर बहुत तगड़ी निकालता है, कहीं भी रिज वगैरह पे कहीं भी ऐसी परेशानी नहीं होती कि आपको एक्स्ट्रा एक्सेलरेट करना पड़े, जितना आपने एक्सेलरेट कर रखा है उतने में ही स्कूटी आराम से चढ़ जाती है, चाहे कोई भी स्लोप हो चाहे कुछ भी हो, कहीं भी इस स्कूटी में दम की कमी महसूस नहीं होती, चाहे आप इस पर कुछ भी कितना ही वजन रख दो इसमें दम की कमी महसूस नहीं होती, ना ये ज़्यादा जैसे जुपिटर की तरह आवाज़ करती। जुपिटर में भाई थोड़ा सा वजन रख दो वो अपना उसमें एक्सेलरेट करो तो भाई इतनी ज़ोर से आवाज़ करता है उसका साइलेंसर पूछो मत, लेकिन इसमें वो वाला सीन नहीं है भाई, ये अपना आराम से ही चलती है रिफाइंड होकर। सेवेंथ एडवांटेज इस स्कूटी का है ये फ़ोन होल्डर। इसमें आप अपना फ़ोन रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो, सनग्लास रख सकते हो, वॉच रख रखी है फ़िलहाल मैंने, अभी थोड़ा सा गंदा हो रहा है, चौक रखती थी भाई गलती से तो वो इसमें चूरा बन गई है, लेकिन भाई इस चीज़ को भाई बहुत बढ़िया निकाला था होंडा ने। मुझे भी बहुत ही बार भाई, अब जैसे स्कूटी आप चला रहे हो तो भाई जेब में रखना पड़ता बार बार फ़ोन, जैसे किसी का फ़ोन आ रहा है तो बार बार जेब में से निकालो बार बार रखो, अब इधर क्या करना पड़ता है, बंदा अपना आराम से स्कूटी चला रहा है ऐसे खोलेगा फ़ोन निकालेगा बात करेगा रख देगा ऐसे कर देगा फिर चलाने लग जाएगा। तो भाई ये बहुत ही एडवांटेज है इस स्कूटी में। और अगर आप अपर वेरिएंट्स लोगे तो उसमें भाई आपको इसमें चार्जर का भी ऑप्शन मिल जाता है, इसमें आप अपना फ़ोन भी रख के चार्ज कर सकते हो, इसमें केबल आ जाती है भाई उसमें अपना फ़ोन की केबल लगा के अपना चार्ज भी कर सकते हो। नेक्स्ट एडवांटेज पर चलते हैं। नेक्स्ट एडवांटेज जो कि मेरे को भी मजबूर कर दिया था इस स्कूटी को लेने पे, एक तो भाई इसकी इंजन पावर थी और दूसरा था भाई सबसे मेन इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। ऐसे तो भाई जब हमने शोरूम में इसके चालू करी तो ऐसे तो भाई इसने वेलकम करा, इतना ज़्यादा वो लगा
बढ़िया उस टाइम की बस पूछो मत। इंडिकेटर इधर की साइड जलते हैं इसमें ऐसे, और अपना भाई सारे फीचर दिखाता है जिसकी नीड है एक स्कूटी में। टोटल दिखाता है, अपना ट्रिप दिखाता है, ठीक है, टाइम दिखाता है, रियल टाइम एवरेज दिखाता है। रियल टाइम एवरेज से मेरा मतलब है जैसे अभी मैंने चालू करी, जैसे अभी मैंने भाई चालू करी ये स्कूटी, अब मैं अगर एक्सेलरेट करूँगा तो भाई अपना एवरेज भी दिखाता है कितने निकाल लिया। अभी मैं डबल स्टैंड पर रेस दे रहा हूँ, इस वजह से 91-90 दिखा रही है, लेकिन वैसे ये अपना वही दिखाती है 60। और एक्सेलरेट के ऊपर डिपेंड करता है मेन, तो आपका ईको वगैरह का साइन दिखाती है भाई ये इधर 40 पे है इसकी इकोनॉमी। अगली चीज एवरेज जो कि इसने ट्रिप में दिया, जैसे अभी आपने 35 किलोमीटर की ट्रिप देखी थी इसमें, तो भाई उस 35 किलोमीटर में इसने जितना एवरेज दिया है वो है इसका 44.6, जो कि भाई मेरे हिसाब से तो बहुत कम है। क्योंकि जब मैंने स्कूटी ली थी ना, जब मुझे 60 के एवरेज की आदत पड़ गई थी इस स्कूटी से, लेकिन ये बाद में भाई इतना कम करती गई, और अब ये भाई 40 का ही दे रही है। MID में दिखा रही है 44.6, लेकिन ये भाई 40 का ही दे रही है, और सर्विस से पहले तो भाई 35 का ही दे रही थी, अब फिर भी सही दे रही है। आगे चलते ही अपना रेंज दिखाता है, मतलब इसमें जितना पेट्रोल है उसमें और कितने किलोमीटर कवर कर सकती है वो दिखाता है। ये फिर से अपना टोटल आ जाता है। तो भाई मैं ये आपको एक्सपीरियंस अपना 17,000 किलोमीटर के बाद बता रहा हूँ, देख सकते हो आप। मैं ऐसे ही नहीं बता रहा कि अभी कल परसों स्कूटी ली और रिव्यू करने लग गया। मैं आपको खूब चलाकर, मैंने 2 साल चला ली स्कूटी और अब जाकर मैं इसका रिव्यू कर रहा हूँ, तो भाई मेरे को पता है इसकी सच्चाई। अब चलते हैं नेक्स्ट इसके एडवांटेज पे। नेक्स्ट एडवांटेज है भाई इसकी ब्रेकिंग। ब्रेकिंग मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ब्रेकिंग भाई अगर आप 40-50 के स्पीड पर भी अगर ब्रेक मारते हो तो स्कूटी ऐसा नहीं कि भाई घिसती हुई चली जाएगी, स्कूटी अपना वहीं के वहीं जाम हो जाती है। जाम से मेरे कहने का मतलब है, एक तो भाई इसके टायर साइज पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि अगर आगे वाला टायर बड़ा है तो भाई स्लिप तो देखो कम ही मारने के चांसेस हैं, और पीछे वाला टायर भी देखो स्लिप करेगा नहीं अगर आगे वाला टायर बड़ा है तो भाई ये भी एडवांटेज पर जाता है थोड़ा सा, कि स्कूटी वहीं के वहीं जाम हो जाती है ब्रेक मारने पे, चाहे आप कितनी भी स्पीड पे मार दो। कितनी से मेरा मतलब ये नहीं है कि आप भाई 90 पे जाके एकदम से ब्रेक मार दो तो भाई स्कूटी डिसबैलेंस होगी, लेकिन अगर आप धीरे धीरे मारते हो ब्रेक तो भाई रुक जाती है स्कूटी अपने आराम से। ऐसा नहीं कि आपको हैरेसमेंट फील कराएगी जैसे स्कूटी रुकी नहीं रही है और स्लिप होने को हो रही है, ऐसा नहीं है, अपना स्कूटी रुक जाती है आराम से। यही थी भाई वीडियो, हो आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जाकर लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई अभी न्यू है, और आगे भी ऐसी वीडियोस लाता रहूँगा मैं। उसके लिए भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा देना ताकि आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, थैंक यू सो मच।